जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुत्ता जब हांफता है तो वो बाहर अपनी जीभ निकालता है, जिह्वा निकालता है, टंग निकालता है और हांफते रहता है। क्या आपको पता है कि ये ऐसा क्यों करता है? तो वो बात बताने से पहले मैं और एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि जो मिट्टी के बर्तन है वो समर में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर मिट्टी के बर्तन में जो पानी ठंडा होता है वो क्यों होता है? तो चलो पहले उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, बाद में मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। तो चलो उस पे चलते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है एक मिट्टी का बर्तन या तो फिर मटका आप जिसको बोलते हो, मिट्टी से बना घड़ा जिसको आप बोलते हो। तो इसमें क्या भरा है? हमने पानी भरा है। अब देखो, जो पानी है या तो फिर कोई भी चीज है, लिक्विड है, कोई भी चीज है, वो मोलिक्यूल से बनी है। छोटे छोटे मोलिक्यूल्स, एटम्स जो है उनसे बनी होती है ना। अब इनको अगर आप टेम्परेचर देते हो, किसी भी मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देते हो, तो वो क्या करता है, उसके पास स्पीड आ जाता है, वो भागने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि तवे पे अगर आप पॉपकॉर्न डालते हो तो पॉपकॉर्न ऐसे उछलने लग जाते हैं ना। तो उछलते क्यों है वो? क्योंकि उनको स्पीड मिल रही है। वो स्पीड कहां से मिल रही है? तो टेम्परेचर आप उसको दे रहे हो ना नीचे से। तो आप जितना टेम्परेचर उसको दोगे उतने पॉपकॉर्न उछलेंगे जोर जोर से। तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देते हो तो पानी के मोलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं, भागने लगते हैं, यानी उनकी स्पीड बढ़ती है। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी आप पानी को गर्म करते हो तो पानी में उबाल आता है ना, तो उनको स्पीड मिलती है तो वो भागने लगते हैं। अब वो भागेंगे उसको भागेंगे। अब इनकी जो स्पीड होती है वो हर एक की सेम नहीं होती, यानी बहुत सारे जो मोलिक्यूल्स है उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, फिर मीडियम होती है, फिर कम होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम मान के चलते हैं। तो ऐसे मान के चलते हैं कि उसमें 1 किलोमीटर पर सेकंड वाले भी मोलिक्यूल्स मौजूद है, कुछ ग्रुप ऑफ मोलिक्यूल्स, फिर 2 किलोमीटर पर सेकंड वाले भी है, फिर और ऐसे 10 किलोमीटर पर सेकंड वाले भी है। तो तीन ही ग्रुप बनाते हैं, 1, 5 और 10 किलोमीटर पर सेकंड, इतना स्पीड उनका है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसमें अब देखो, जितना टेम्परेचर होगा उतनी स्पीड होगी, इसका उल्टा करके देखो, जितनी स्पीड होगी उतना ही टेम्परेचर होगा, ऐसा समझ में। अब देखो, सपोज कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो जो 10 किलोमीटर पर सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से इसका टेम्परेचर, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड वाले अगर कम हो गए तो क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर तो घट जाएगा ना, ऐसा समझ में। क्योंकि देखो, टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, वैसे ही स्पीड कम है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो ज्यादा स्पीड वाले मोलिक्यूल है इनको इसमें से निकाल देंगे ताकि इनका जो ओवरऑल टेम्परेचर इन बाकी मोलिक्यूल्स का वो कम हो जाए, यानी वाटर का टेम्परेचर कम हो जाए। ये करने के लिए ये मिट्टी का बर्तन क्या करता है, तो मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना। इन होल्स में ये जो पानी है होल से बाहर आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये जो इसका सरफेस है, पानी का जो सरफेस है, उस पे जो भी मोलिक्यूल आएगा उसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा है, जैसे कि 10 किलोमीटर पर सेकंड वाले जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, उसमें से बाहर छलांग लगा देंगे और एयर में चले जाएंगे। तो ये जो 10 किलोमीटर पर सेकंड वाले मोलिक्यूल्स है ये भाग जाते हैं बाहर। अब इनके पास इतनी एनर्जी है कि वो भाग सकते हैं, बाकी जो है जैसे 1 वाले 5 वाले ये बेचारे इसके जो सरफेस है उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जिनके पास ज्यादा स्पीड है, ज्यादा एनर्जी, वो क्या करेंगे, वो कूद जाएंगे, वाटर में से बाहर निकल जाएंगे और कहां पे चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे, है ना। तो 10 वाले कम हो गए तो बचे सिर्फ 1 और 5 वाले, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो घटेगा, जैसे कि हमने पहले देखा है, समझ में। तो ये टेम्परेचर, तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, या तो फिर फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन है। ऐसा ही इवेपोरेशन आपके बॉडी में भी होता है। तो आपको जब पसीना आता है तो पानी अंदर से आता है ना, और वहां पे जो हायर वेलोसिटी वाले या तो फिर हायर स्पीड वाले जो मोलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाते हैं एयर में, और आपको कूलिंग इफेक्ट, यानी आपका जो शरीर है वो ठंडा होता है। तो आपका शरीर ठंडा रखने के लिए आपको पसीना आता है ना, वैसे ही सारे जो लगभग जो जानवर है उनको पसीना आता है, लेकिन जो कुत्ते होते हैं कुत्तों को पसीना नहीं आता है ना। आपने देखा है कभी कुत्ते को पसीना नहीं ना, तो कुत्ते को पसीना नहीं आता। तो कुत्ता क्या करता है, तो कुत्ता इसलिए अपनी जीभ बाहर निकालता है ना, जीवा बाहर निकालता है, टंग बाहर निकालता है, ताकि उसके बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर है, जो ब्लड है, तो वो ठंडा हो जाए। उसे क्या होगा कि जो भी
वाटर मोलेक्यूल्स है, अभी जो वाटर मोलेक्यूल्स की जीप पे होंगे, यहाँ पे जो वाटर मोलेक्यूल्स होंगे वो वाटर मोलेक्यूल्स उनका स्पीड ज्यादा होने की वजह से एयर में चले जाएंगे, तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा इवेपोरेशन की वजह से, ये जीव उसकी ठंडी हो जाएगी। अब जो भी ब्लड इसमें से फ्लो, इस जीवा में से फ्लो करेगा, वो ब्लड क्या होगा, ठंडा होगा, और इस तरीके से वो कूलिंग इफेक्ट को अचीव करता है समझ में। तो ये कूलिंग इफेक्ट को अचीव करने के लिए, क्योंकि उसको पसीना नहीं आता, ये जो डॉग है वो ऐसे हाँफते रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको डॉग दिखे तो आपको ये चीज जरूर याद आएगी और फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आएगा। चलो दोस्तों यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।